कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और मध्य प्रदेश के नीमच में की चुनावी रैलियां। कहा, कांग्रेस ने हमेशा पिछड़े तबकों के लिए किया है काम। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास पर जोर दिया है और समाज के हर वर्ग के लिए संघर्ष किया है। मुलायम के गढ़ इटावा में नरेंद्र मोदी की रैली। कहा, अपराधियों को लेकर मुलायम है सपा प्रमुख। उनकी कठिनाई ये है, जहां उनको कठोर होना चाहिए वहां वो मुलायम हो जाते। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने साधा यूपीए पर निशाना। कहा, यूपीए गठबंधन बिना कप्तान का जहाज। कांग्रेस लेड यूपीए इज जस्ट लाइक ए रडरलेस बोट विदाउट कैप्टन। पीएमओ के मीडिया सलाहकार पंकज पचौरी ने कहा कि विकास नहीं है मीडिया की प्राथमिकता। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में पिछले 10 सालों के दौरान हर क्षेत्र में चौतरफा विकास हुआ है। लगातार सरकार काम कर रही है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि सरकार के जो काम है वो इसलिए आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि मीडिया जो है उसकी प्रायोरिटीज फर्क है। बीजेपी और टीडीपी ने सुलझाई गठबंधन की पेंच। बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा, जारी रहेगा गठबंधन। बीजेपी ने टीडीपी को दी एक और विधानसभा सीट। किरण बेदी को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने की खबरों का बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने किया इनकार। पीडीपी से जुड़े सरपंच की हत्या पर पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूख अब्दुल्ला के भड़काऊ बयानों को ठहराया जिम्मेदार। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने समाजवादी पार्टी के आजम खान और बीजेपी के नेता अमित शाह को बताया एक ही सिक्के के दो पहलू। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने चुनाव आयोग से आजम खान पर लगाई गई पाबंदी के फैसले पर पुनर्विचार का किया आग्रह। अमित शाह को बरी करने के फैसले को बताया गलत। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर प्रचार अभियान में बाधा डालने का लगाया आरोप। चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। बीजेपी ने कहा, प्रदर्शनकारी केजरीवाल विरोधी स्थानीय लोग। योग गुरु बाबा रामदेव फिर विवादों में। कांग्रेस ने की चुनाव आयोग से शिकायत और प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग। अलवर से बीजेपी प्रत्याशी महंत चांदनाथ से बातचीत में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का है मामला। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने फिर साधा मोदी पर निशाना। कहा, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करना बीजेपी के उतावलेपन की निशानी। एनसीपी नेता अजीत पवार फिर विवाद में। एक वीडियो में कथित तौर पर एक गांव के लोगों को वोट नहीं देने पर जलापूर्ति रोकने की दे रहे हैं धमकी। अमेठी से प्रत्याशी कुमार विश्वास धरने पर। राहुल तथा प्रियंका समेत कई लोगों के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराने की दी तहरीर। अमृतसर से कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन अमरिंदर सिंह की अरुण जेटली को नसीहत। कहा, ग्लैमर के सहारे नहीं जीते जाते चुनाव।